दोस्तों, महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता। एक ऐसा इंसान जिसने देश को अहिंसा का मार्ग दिखलाया, उन्हें स्वराज का अर्थ समझाया और अपनी एक एक सांस देश के नाम कर दी। वैसे तो मोहनदास करमचंद गांधी कोई ऐसा नाम नहीं है जिसे कि भुला दिया जाए, लेकिन स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर बापू के बलिदान को, उनके आदर्शों को जरूर याद किया जाता है। लेकिन हम यहाँ आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर हर उस भारतीय को जो महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संग्राम का नायक मानता है उसको थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उससे हम ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन जब ऐसी चर्चाएं हो रही हो तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आपको इन चर्चाओं से अवगत कराए। बहुत से लोगों का कहना है कि भारत को स्वतंत्रता दिलवाने में महात्मा गांधी का नहीं बल्कि एडल्फ हिटलर का योगदान था। कई ऐसे भारतीय हैं जिनका मानना है कि महात्मा गांधी की अहिंसा आंदोलन का स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है, जबकि भारत की स्वतंत्रता और दूसरे विश्व युद्ध का आपस में बहुत गहरा संबंध है। असल में 1944 को समाप्त हुए दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सेना काफ़ी कमजोर हो गई थी। ऐसे हालातों में ब्रिटेन का भारत पर शासन करना और आने वाली कठिनाइयों का सामना करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द भारत को आज़ाद करने का फैसला लिया। महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन की वजह से भारत को स्वतंत्रता मिलना वाकई मुश्किल था। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2011 में जब समाजसेवी अन्ना हजारे सशक्त लोकपाल बनाने जैसे मुद्दे को लेकर अनशन पर बैठे थे, तब भी अन्ना हजारे ने कहा था कि वे मरते दम तक भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि अन्ना हजारे सरकार को कड़ी चुनौती देंगे और उनके आमरण अनशन के आगे सरकार झुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कुछ दिनों बाद अन्ना हजारे को अपना अनशन तोड़ना पड़ा और भी बिना किसी मजबूत सरकारी आश्वासन के। आशय स्पष्ट है कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर गांधी जी के भारत को स्वतंत्रता दिलवाने जैसी बात बहुत से लोगों को बेमानी प्रतीत होती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।